दोस्तों भगवान शिव के पांचवे अवतार बाबा भैरव को कौन नहीं जानता। ये ऐसे देव हैं जो सबसे जल्दी प्रसन्न होते हैं और अपनी करुणा और आशीर्वाद से भक्तों के सारे दुख व संकट पल भर में मिटा देते हैं। और न सिर्फ हम मनुष्यों के, यहाँ तक कि एक बार स्वर्ण आकर्षण भैरवनाथ जी ने माता लक्ष्मी व धनपति कुबेर की गरीबी भी दूर की थी। वैसे इसी क्रम में आज हम आपको बाबा भैरवनाथ के 8 स्वरूप व उनसे जुड़े सपनों की साथ ही कथा सुनेंगे स्वर्ण आकर्षण भैरवनाथ जी की आखिर कैसे उन्होंने सहायता की थी माता लक्ष्मी व धनपति कुबेर की। लेकिन कथा शुरू करने से पहले यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक व शेयर नहीं किया है तो जल्दी से कीजिए, ताकि आगे भी आपको महान सनातन धर्म से जुड़ी ऐसी ज्ञानवर्धक व रोचक जानकारियां प्राप्त होती रहे। नमस्कार और एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने वीडियो कलेश यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों बाबा क्रोध भैरव का स्वरूप अत्यंत ही क्रोधी व डरावना है। इनके शरीर का रंग गहरा नीला व आंखें बड़ी बड़ी है। इनका वाहन गरुड़ है। शास्त्रों में इन्हें दक्षिण पश्चिम दिशा का स्वामी माना है। आमतौर पर इनका पूजन अर्चन गृहस्थ में रहने वाले कम ही लोग करते हैं, किंतु जो कोई जातक श्रद्धा से इन्हें ध्याता है ये उस पर कृपा अवश्य ही करते हैं। जब ऐसा होता है तो जातक को स्वप्न में इनके दर्शन होते हैं। अतः जिस किसी को ऐसा स्वप्न आए तो उसे समझ लेना चाहिए कि अब उसमें जीवन में आने वाली किसी प्रकार की परेशानी व बुरे वक्त से लड़ने का सामर्थ्य आ जाएगा। अब बात करते हैं कपाल भैरव की। बाबा कपाल भैरव का स्वरूप चमकीला व अत्यंत ही मोहक है। इनके एक हाथ में त्रिशूल, दूसरे में तलवार, तीसरे में शस्त्र और चौथे में पात्र है। इनकी सवारी हाथी है। क्रोध भैरव की ही तरह इनका पूजन भी गृहस्थ में रहने वाले कम ही लोग करते हैं, किंतु फिर भी बाबा सब पर कृपा बरसाते हैं। यदि कोई जातक सच्चे मन से इन्हें याद करता है तो ये तुरंत ही उसकी रक्षा के लिए अदृश्य रूप से उपस्थित हो जाते हैं, फिर चाहे वो कहीं पर भी क्यों ना हो। कहते हैं यदि किसी व्यक्ति पर इनकी कृपा हो जाए तो उसे स्वप्न में ये दर्शन अवश्य ही देते हैं। अतः जिस किसी जातक को इनका स्वप्न आए तो उसे खुद को भाग्यशाली समझना चाहिए। स्वप्न में इनका दिखना इस बात का संकेत है कि अब आप पर हो रही कानूनी कार्यवाही बंद हो जाएगी, आपके सभी रुके हुए कार्य पूरे होंगे और आपको कार्यों में सफलताएं मिलेंगी। चलिए अब बात करते हैं असितांग भैरव की। बाबा असितांग भैरव का रंग काला किंतु अत्यंत ही सुंदर है। इनके 3 नेत्र हैं। बाबा के एक हाथ में कमंडल, दूसरे में माला, तीसरे में शस्त्र व चौथे में पात्र है। कमर पर सर्प व कंठ में कपालों की माला सुशोभित है। इनकी सवारी हंस है। कई साधक इनकी स्तुति करते हैं। जब ये किसी पर प्रसन्न हो जाए तो उसे स्वप्न में दर्शन अवश्य ही देते हैं। यदि आपको ऐसा स्वप्न दिखाई दे तो समझ लीजिएगा कि अब जल्द ही आपकी कलात्मक शक्ति का विकास होने वाला है। भविष्य में आप ऐसी ऐसी कलाकृति की रचनाएं करेंगे जिन्हें देखकर दुनिया हैरान रह जाएगी। अब बात करते हैं बाबा चंदा भैरव की। दोस्तों चंदा भैरव का ये रूप चंद्रमा के समान एकदम सफेद व आकर्षक है। बाबा के 3 नेत्र हैं। इनके एक हाथ में धनुष, दूसरे में बाण, तीसरे में तलवार व चौथे में पात्र है। इनके शरीर पर स्वर्ण आभूषण व कमर पर सांप सुशोभित है। इनकी सवारी मोर है। बहुत से गृहस्थ आश्रम में रहने वाले लोग इनकी स्तुति करते हैं। जब किसी जातक पर इनकी कृपा होती है तो ये उसे स्वप्न में दर्शन अवश्य ही देते हैं। यदि किसी को ऐसा स्वप्न आए तो उसे समझ लेना चाहिए कि अब उसके शत्रु सदा सदा के लिए पराजित हो जाएंगे। अब ये दुष्ट जन कभी भूल कर भी आपका नाम नहीं लेंगे। अब बात करते हैं गुरु भैरव की। दोस्तों गुरु भैरव का स्वरूप एकदम शांत है। इनके दर्शन करते ही मन में एक अलग सी शांति छा जाती है। इनके एक हाथ में कुल्हाड़ी, दूसरे में पात्र, तीसरे में तलवार व चौथे में मृग है। शरीर पर स्वर्ण आभूषण व कमर पर सांप सुशोभित है। इनकी सवारी बेल है। बहुत से गृहस्थ आश्रम में रहने वाले लोग इनकी स्तुति करते हैं। जब किसी जातक पर ये कृपा करते हैं तो उसे एक बार स्वप्न में दर्शन अवश्य ही देते हैं। यदि किसी को स्वप्न में इनके दर्शन हो तो उसे समझ लेना चाहिए कि अब उसे लौकिक व अलौकिक समस्त प्रकार का ज्ञान होने वाला है। अब बात करते हैं संहार भैरव की। दोस्तों बाबा संहार भैरव के शरीर का रंग लाल व सिर पर कपाल स्थापित है। इनके 3 नेत्र व 8 भुजाएं हैं, जिनमें इन्होंने विभिन्न प्रकार के अस्त्र शस्त्र धारण कर रखे हैं। कमर पर सर्प व शरीर पर विभिन्न प्रकार के स्वर्ण आभूषण सुशोभित है। इनकी सवारी श्वान है। ग्रस्त आश्रम में रहने वाले कम ही लोग इनकी पूजा करते हैं, किंतु जो कोई जन इन्हें किसी भी मंशा से ध्याता है तो ये उसकी मनोकामना शीघ्र अति शीघ्र पूर्ण कर देते हैं। अतः दोस्तों यदि ये किसी को स्वप्न में दिखाई दे तो उसे समझ लेना चाहिए कि अब उसके पूर्व काल के सभी पाप नष्ट होने वाले हैं। अब बात करते हैं उन्मत्त भैरव की। बाबा उन्मत्त भैरव का शरीर
शरीर का रंग हल्का पीला व स्वरूप सभी रूपों में शांत है। आपके तीन नेत्र व चार भुजाएं हैं। पहले हाथ में छड़ी, दूसरे में तलवार, तीसरे में ढाल व चौथे में पात्र है। आपकी सवारी घोड़ा है। ग्रस्त में रहने वाले सामान्य जन भी आपकी पूजा अर्चना करते हैं। यदि बाबा किसी पर प्रसन्न हो जाए तो उसे स्वप्न में दर्शन अवश्य ही देते हैं, और यदि ऐसा हो तो समझ लीजिएगा कि अब आपके घर और जीवन से विभिन्न प्रकार की नकारात्मकता व बुराइयां समाप्त तो होने वाली है। अब बात करते हैं बाबा भीषण भैरव की। दोस्तों, बाबा भीषण भैरव का स्वरूप काला व चार भुजाएं हैं। इन्होंने एक हाथ में कमल, दूसरे में त्रिशूल, तीसरे में तलवार और चौथे में पात्र धारण कर रखा है। इनका स्वरूप भयावह व इनकी सवारी शेर है। ग्रस्त में रहने वाले सामान्य जन इनकी स्तुति कम ही करते हैं, किंतु जो कोई इन्हें प्रेम से ध्याता है ये शीघ्र ही उससे प्रसन्न हो जाते हैं, और यदि ऐसा हो जाए तो ये स्वप्न में दर्शन अवश्य ही देते हैं। यदि आपको ऐसा स्वप्न आए, यदि इनके दर्शन हो, तो समझ लीजिएगा कि अब जल्द ही आपको बुरी आत्माओं के प्रकोप से छुटकारा मिलने वाला है। अब सुनते हैं कथा स्वर्ण आकर्षण भैरवनाथ जी की। दोस्तों, कहते हैं एक बार देव असुर संग्राम के चलते देवताओं को भारी क्षति हुई। इसमें उनका सारा धन वैभव जाता रहा, और तो धनपति कुबेर और माता लक्ष्मी के अपार खजाने भी खाली हो गए। तब ऐसे विकट काल में सभी देवतागण अविनाशी भगवान शिव की शरण में जाकर उनसे संकट से उभारने की प्रार्थना करने लगे। तब शिव जी ने उन्हें ब्रह्मांड की अद्भुत शक्ति के बारे में बताया। उन्होंने कहा, महामाया भगवती के अविनाशी धाम में श्री मणिद्वीप के कोषाध्यक्ष श्री स्वर्णाकर्षण भैरवनाथ है। अतः आप सभी देवतागण बद्री विशाल धाम में भीषण तप कर भगवान स्वर्णाकर्षण भैरवनाथ जी को प्रसन्न करें। निश्चित ही वे आपको अपार धन संपदा प्राप्त करेंगे। और तब देवताओं ने वैसा ही किया, और बाबा के आशीर्वाद से उनकी दरिद्रता सदा सदा के लिए दूर हो गई। बस तब से लेकर आज तक कई लोग गुप्त रूप से इनकी साधना कर अपार धन पाते हैं। तो दोस्तों, ये थी कथा बाबा भैरवनाथ जी की। आशा करते हैं आपको हमारा प्रस्तुतिकरण व प्रयास जरूर अच्छा लगा होगा। आपने हमें इतने प्रेम से सुना, इस सब के लिए आपका बहुत बहुत आभार। हम जल्द ही मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।